हेलो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे, फिर आपको असेंबल करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास मेडिटेक ब्रांड का हैंडी स्मार्ट नेबुलाइजर। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने जो इसका प्राइस जो है 2900 रुपीस के आसपास रखा है, पर ये आपको लोकल मार्केट या ऑनलाइन जो है 2000 रुपए के आसपास पड़ जाएगी। इसमें कुछ फायदे भी बताए गए हैं कि कैसे आप अपनी ब्रीथिंग लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। डू द रेगुलर एक्सरसाइज फॉर ब्रीथिंग, ईट लेस बट ऑफ्टन, बार बार हल्का हल्का खाएं, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, टेक एम्पल रेस्ट, अवॉइड एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग। तो फ्रेंड्स, ये इसकी टेक्निकल डिटेल है। जो टाइप ऑफ कंप्रेसर है वो पिस्टन टाइप है, प्रेशर बनता है इसके कंप्रेसर में वो है 2.5 bar। एयर फ्लो जो आता है इस मशीन के द्वारा वो है 8 liter per minute, और नॉइस लेवल जो है एट ए 1 meter जो है लेस देन 60 dBi। ऑपरेटिंग टाइम जो है इसमें 30 मिनट्स का आप टाइमर लगा सकते हैं या 60 मिनट का भी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। और पावर कंजम्पशन जो है 100 VA है। इसका नेट वजन जो है 1.5 kg है। तो चलिए, अब जो है मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ। एक बार आप खोलो कि प्लीज़। फर्स्ट टाइम हम किसी नेबुलाइजर का रिव्यू कर रहे हैं, और वी होप आने वाले टाइम में जैसा है हम दूसरे ब्रांड का भी नेबुलाइजर अनबॉक्सिंग करें। तो ये देखिए, ये तो इसकी किट्स हैं जिसमें इसका मास्क, पाइप और यूज़र मैनुअल और इसके अंदर क्या क्या है वो सारा बताया गया होगा। और इसके अंदर जो है ये हमारी मेन मशीन है। और आजकल जो है नेबुलाइजर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, लाइफ सेविंग हो गया है, क्योंकि जिनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है वो नेबुलाइजर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका यूज़र मैनुअल है, वारंटी कार्ड। मेडटेक का जो नेबुलाइजर है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, सावधानी से पढ़ें, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। ये आप ये देखिए, ये इसके पार्ट्स हैं, एक एक चीज़ बताई गई है पार्ट्स का क्या नाम है। फ्रेंड्स, हम वीडियो के नीचे जो है अपने अमेज़ोन पे स्टोर का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को जो है खरीद सकते हैं। हर प्रोडक्ट की हमने कैटेगरी बना रखी है। इसमें एक अडल्ट मास्क दिया गया है, अडल्ट माउथ पीस है, देन उसके बाद मेडिसिन बॉटल कैप एंड इंटीग्रेटेड बैटल है। मेडिसिन बॉटल्स में मेडिसिन को फिल किया जाता है, और मेडिसिन बॉटल कप है एक, इसके साथ ही एक एयर ट्यूब है जिसमें से होके मेडिसिन जाती है। देन लास्ट वन है इसका चाइल्ड मास्क, जो बच्चों के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मेन मशीन है जो है, ये हम मशीन से रैपिंग हटा देते हैं और फिर आपको ये दिखाते हैं। तो अभी हमने इसको चलाया एक बार भी नहीं है कि ये मशीन वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एयर पाइप्स लगेगा, और ये शायद इसका ऑन ऑफ बटन है। बहुत ही कॉम्पैक्ट इन साइज़ है, पहले जो है काफ़ी बड़ी साइज़ की आती थी, डबल साइज़ होती थी। और आप ये देखें, वॉल माउंटिंग इसमें स्टैंड भी दिया गया है, और ये इसके कुछ टेक्निकल डिटेल हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अगर हम इसके साथ आई किट्स देख, इसको खोलिए प्लीज़, किट की सील खोलती है, इसको आउट ऑफ रैपर निकाल दीजिए सारे जो पार्ट्स हैं। तो आप ये देखिए इसके अंदर जो है हमें क्या क्या मिला है। देखिए, माउथ में यूज़ किया जाता है डायरेक्टली, जो लोग नोज़ क्लोज नहीं कर पाते क्योंकि सांस रुकती है, सो ये डायरेक्टली माउथ के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्या चीज़ है जो आप निकाल रहे हो? ये अडल्ट मास्क है जो कि बड़े लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। साथ में इसके एक ही हमारे को चाइल्ड मास्क है जो बच्चों के माउथ को अच्छे से कवर कर देता है, इसलिए छोटे साइज में दिया गया है। साथ में इसके ये एक पाइप होता है जिसमें से मेडिसिन होके माउथ एंड नोज में जाती है। ये है इसकी रिफिलिंग कैप जिसमें हम मेडिसिन डालते हैं। फ्रेंड्स, हॉनेस्ट रिव्यू के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सेलर हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फ्री रिव्यू के लिए। तो चलिए, अब हम सीखते हैं इसको कैसे आपने असेंबल करना। आप देख सकते हैं इसमें दोनों साइड ही इसमें दो होल्स दिए गए हैं। ये एक तो मशीन में लगाया जाता है इस तरीके से, देखिए इसको थोड़ा सा हमें मूव करना पड़ता है, सो ये टाइट हो गया। अब आप अगर इसे खींचेंगे तो ये निकलेगा नहीं, एयर टाइट करना है, एयर लीक ना करे इसमें से। और ये जो सेकंड पार्ट है ये इस कैप में जिसमें मेडिसिन फिल की जाती है उसमें ये डाला जाता है इसे। इसको भी थोड़ा सा हम मूव करेंगे जिससे ये जब हम ऑपरेट करेंगे तो ये निकले ना बीच में। अब ये मास्क है, मास्क में ये अपर पार्ट जो है इसको ऐसे टाइट कर देंगे, देन उसके बाद मेडिसिन
हम इस वाले पार्ट में डालते हैं। कैप्सूल भी डाल सकते हैं, कैप्सूल भी डाल सकते हैं। और ये रेस्प्यूल्स आते हैं इसके, 0.5 mg के रेस्प्यूल्स हैं ये, एक सिंगल रेस्प्यूल इसमें ओपन करके डाला जाता है, देन इसको रिफिक्स किया जाता है इस तरीके से मूव करके। ये अब टाइट हो गया, अब ये निकलेगा नहीं। देन इसको पेशेंट के फेस पे इस तरीके से लगाया जाता है, एंड ये जो रबर दिया गया है इसे बैक साइड पे लेके जाते हैं हेड के। सो ये इस तरीके से बिल्कुल कवर कर देता है माउथ एंड नोज दोनों को। कैसे आपने वापस बंद करके रखा है तो वापस? बहुत ही इजी होता है ये, इसको जस्ट ऐसे मूव करना है, ये निकल गया। और ये जो नीचे की इसकी वायर है इसको भी ऐसे हल्का सा मूव करना होता है, जैसे चूड़ी कसते हैं उस टाइप से। और मशीन में से भी इसको ऐसे भी करके निकालें, खींचना नहीं है आपको, खींचने पे हो सकता है वो यहाँ से अलग हो जाए, टूट जाए। तो इसको ऐसे हल्के हल्के से मूव करके आप निकाल सकते। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप हमें फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे। ये हमारा डी असेंबल हो गया, इसको आप जब भी रखें प्रॉपर पानी से जरूर धोएं, और ख़ास तौर पर जो ये पानी वाला पार्ट है जिसमें दवाई डलती है इसको आपने ज़रूर प्रॉपर वॉश करना है, नहीं तो इसमें जो है बैक्टीरिया वगैरह जो है ग्रो कर सकते हैं। अब जो है इसको फाइनली हम असेंबल कर रहे हैं, अपने पेशेंट को जो है मेडिसिन देंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर एयर ट्यूब लगाई है इसमें, और अब जो है हम दवाई लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे फादर हैं उनको रेस्पिरेटरी दिक्कत हो गई है, तो ऑक्सीजन की SpO2 उनका 92 या 93 आ गया है, बताइए। ये मेडिसिन है ब्यूटकोड 0.5 mg। तो इसमें से ये कैसे आपने लगाना है तो ये हम आपको दिखा रहे हैं स्टेप। तो आप इस वीडियो की जरिए जो है, इसमें टोटल 5 रेस्प्यूल्स होते हैं, इसमें एक यूज करना होता है वन टाइम में। तो जस्ट ऐसे मूव करेंगे कि ओपन हो जाता है। नीचे वाले चैम्बर में हमें फिल करना होता है मेडिसिन। अच्छा, मेडिसिन डाल दोगे खाली, उसे ट्विस्ट करेंगे ये बंद हो गया। तो ये देखिए कैसे आपने इसको जो है अपने पेशेंट को देना है, अपने घर में जो भी आपके। सबसे पहले आप पेशेंट कंफर्टेबली बिठाएंगे, देखिए कैसे इनके फेस में लगाना है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ये स्टील का एक पिन टाइप की दी गई है, ये बिल्कुल नोज पे टाइट कर दें हल्का सा। और ये चीज ये पीछे जाएगी, पापा कोई दिक्कत तो नहीं? तो हम इसको ऑन करें तो ये जो भी मतलब पेशेंट्स हैं उनको बोलेंगे कि आप लंबी लंबी सांसें लें अंदर की साइड। पापा सांस लो, अपने मन मुताबिक या डॉक्टर के बताए टाइम पर 15 से 30 मिनट तक इनको मेडिसिन दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर मेडिसिन खत्म हो जाती है तो भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो दवाई कहाँ से जा रही है, दिख रहा है आपको? अच्छा, ये भाप बाहर निकल रही है। अच्छा अच्छा, तो इससे पेशेंट को फायदा होता है जैसे कोरोना वायरस के टाइम? हाँ, इससे एक्चुअली क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो ये चेस्ट को एक्सपेंशन करता है, एक्सपेंड जब चेस्ट होती है तो ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। ये बाहर निकल रही है, कोई नुकसान की बात तो नहीं? नहीं, वो हल्का सा प्रेशर बाहर निकलता ही है। थोड़ी सी भाप जो है इनकी आंखों में भी जा रही है, तो इनको कोई कुछ फील तो नहीं आ रहा ना आपको? 15 से 30 मिनट के बीच हम देंगे। और आप ये देखिए जो है दवाई इनके नोजल से जा रही है, मुंह से जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं? मुंह क्लोज रखना पड़ता है, नोज से सांस लेनी होती है। अच्छा अच्छा, देखिए ये हमारी जो मेडिसिन है 5 मिनट में खत्म हो गई है। यहाँ से दिख जाती है क्या मेडिसिन खत्म हुई है क्या? तो ये देखिए आवाज में काफी फर्क आ गया, कटर की आवाज आने लगी, पहले लगातार आवाज आ रही थी, तो अब जो है इसको इमीडिएटली बंद कर रही है। तो बंद कर देते हैं और जो है वापस उतार रहे हैं, यहाँ से लूज करेंगे पहले। तो ये हमने थोड़ा सा टाइट कर दिया, थोड़ा सा इसको ऐसे रिमूव कर देंगे। तो ये वाले जो पार्ट है खासतौर पर मेडिसिन वाला, ये मास्क इसको भी आपने धोना है। तो ये देखिए ये फेस मास्क और मेडिसिन वाला हम टैप वाटर में धो रहे हैं, बाथरूम में आप ना धोइए, पर हम जल्दी के कारण थोड़ा कर रहे हैं, आप प्रॉपर सही जगह पर धोएं। इस तरीके से नीचे से पानी निकलना चाहिए तभी ये पूरा क्लीन होगा। तो ये और साफ करें,
तो इस तरह से हमें पाइप को भी साफ करना है। फिर देखिए दूसरी साइड से पानी निकल गया है इसमें से, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर आ गया पानी, पूरा ऐसे क्लीन हो जाएगा पाइप। मेक श्योर इसको ना पूरा आप ड्राई करके रखेंगे जब भी रखेंगे। तो ये देखिए नेबुलाइजर करने के बाद जो है जो हमारा SPO2 है अभी 92 दिखा रहा है, यानी कि अभी हमें इनको और थोड़ा सा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अभी ये सेफ मोड में है तो शायद हमें थोड़ा, पहले इनका नॉर्मल जब कंडीशन ठीक थी तो 97 दिखा रहा था, इम्प्रूवमेंट हो रही है तो अभी 93 दिखा रहा था, अभी इन्होंने गहरी सांस ली है 95-96 हो रहा है, तो अभी लग रहा है कि ज़्यादा ये रेस्ट कर रहे हैं तो इससे थोड़ा इनका SPO2 कम हो गया। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, तो ये हमारा जो चैनल है सुखदेव तनेजा, इसके नीचे आप रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पे तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टेबलेट पर आएंगे।